Good evening to everyone today we are talking about political map of africa as you can see that this is the map overview that i'm giving to you if we are talking about how to separate from the europe and asia continent so we need to talk about the atlantic ocean atlantic ocean which is present between uh, the southern Another continent of America and Africa, and Europe के बीच में जो हमें ocean मिलता है, that is the Atlantic Ocean. As you can see that it is the Atlantic Ocean. अगर हम बात separation की, तो किस तरह से ये separate हो रहा है? Europe, क्या कहते हैं? Africa तो यहाँ पे एक जिब्राल्ट स्ट्रेट है जो क्या कर रही है इन दोनों को जो अटलांटिक uh, सी का ओशियन का जो वाटर है वो एंट्री दे रहा है मेडिटेरेनियन सी के सी के, के साथ तो बहुत बार क्वेश्चन मिलता है हमें कि कौन कौन सी वो दो, इन दोनों को कनेक्ट कर रही है दैट इज़ जिब्राल्टर स्ट्रेट एंड ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट अगर मेडिटेरेनियन सी की बात करें तो यहाँ मेडिटेरियन सी है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री uh, की इकॉनमी uh, पे और ऑल्सो वी आर इफ आर टॉकिंग अबाउट कैसे ये रेड uh, सी के साथ कनेक्ट है कौन सी पेनसुला है जो इसको कनेक्ट कर रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हो टू जो हैं गर्ल्स बनी हैं वो भी हमें पता होना चाहिए और कौन सी यहाँ पे एक स्वेज कैनाल है जो मैन मेड है जो नेचुरली नहीं बनी हुई है जो मैन मेड के द्वारा बनाई गई है ये जो मेडिटेरेनियन सी है जो रेड सी को जोड़ रहा है वो कौन सा सिनाइन पैलेंसला है इसमें दो गल्फ पाई जाती है स्वेज के नाल है एक जिसकी मैंने अभी बात की और ऑल्सो जब रेड सी को जब यहाँ से कौन सी गल्फ है जो इसको अलग करती है तो गल्फ आदेन जो है यहाँ से वो अलग करती है ठीक है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आ, इस पार्ट को हम कहते हैं अफ्रीका जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी कोस्टल लाइन को यहाँ पे जो भी है आ, क्या कहते हैं कोई भी अगर ट्रेडिंग करने आ रहा है तो यहाँ से ही जो कोस्टल लाइन है वहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है कोई भी ट्रेड इजी टू जाना हो तो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये कोस्टल लाइन जहाँ पे अफ्रीका की जो कोस्टल लाइन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं तो अगर हम बात करें यहाँ पे फिज़िकल कुछ इसके फैक्टर्स की तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें निकल गया जैसे कि यहाँ पे जो है जो तीनों होती है जैसे ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर एंड इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ तीनों जो क्या कहते हैं लाइनें हैं इमेजिनरी लाइंस हैं वो यहाँ इस कॉन्टिनेंट से निक, हमें निकलती हुई नज़र आती है जैसा कि हमने हमें पता है कि जो इक्वेटर लाइन होती है वहाँ पे जो ग्रीनरी रहती है ऑलवेज वी फाउंड देयर अ डेंस फॉरेस्ट ऑल्सो इन दिस सिनेरियो वी आर टॉकिंग अबाउट अगर हम इसकी बात करें तो जो है क्या के, कहते हैं ज़ीरो जो इक्वेटर लाइन है ये आप देख सकते हैं ज़ीरो इक्वेटर लाइन है जो यहाँ से कोंगो से निकलती हुई हम देख सकते हैं यहाँ से केन्या से जा रही है जो जो डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हर एक प्रकार की क्या के कहते हैं खेती हम देख सकते हैं और यहाँ पे जो है लेक विक्टोरिया आप देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे बेसिक, आ, बेसिक बात चल रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो यहाँ से निकलती हुई आपको नजर आ रही है आपको जूम इन करके दिखाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर है यहाँ से निकलती हुई आ रही है ठीक है तो इस तरह से हमें पता चला कि कैसे ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ़ uh, कैप्रिकॉन जो है वो यहाँ से निकलती है ठीक ये हमें पता होना चाहिए ओके व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग दैट इज बेसिक द कंट्री नेम्स दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम कोस्टल लाइन दैट इज़ इजिप्ट बात करें हम तो इजिप्ट में हमारी जो नाइलवे है ठीक है रिवर है वो वहाँ तक जो सबसे लंबी नदी है जो पूरी वर्ल्ड की सबसे ठीक है सबसे पहले हमें ये पता इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या कहते हैं सहारा डेजर्ट पाया जाता है क्योंकि यहाँ डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया होता है वो आ, इतना मतलब कि उसमें वो नहीं होता क्या कहते वो नहीं होता जिसमें बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती और यहाँ पे ज़्यादातर डेजर्ट का निर्माण होता है ठीक तो है तो यहाँ कैंसर है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो यहाँ पे हमें सबसे वर्ल्ड का वो है सहारा डेजर्ट वी फाउंड है